आईपीएल मघी अखाड़ा में स्पॉन्सर्ड बाय मुखिया जी के भोज भात में तो आज राकेश भाई न हत तो आज जिम्मेदारी मिल हुआ है देख कैसन हुआ है तो कल के मैच के बारे में चर्चा करबू और इलेक्शन है जानते हो तू लोग थोड़ा सा ठीक है डिस्टर्बेंस है कल के बाद थोड़ा सा लेट पेट हो कल के मैच के बारे में कुछ बताऊँ कल है बढ़िया खेल कल है तो भैया कलकत्ता के हमने आशा लगेलू हल कलकत्ता पंजाब वीर जारा के जैसे मैच हल तो कल जारा जीत गए वीर हार गए तो कल के रहा कि जैसे बैटिंग में एकदम खराब हो गई एक तरफा मैच में हो गई शुरू में 10 रन पे 3 गो विकेट कलकत्ता गिर गए आ तू मतलब इतना इंपॉर्टेंट मैच में खेले जाय था और तू 10 रन पे 3 गो विकेट गवा दे था तो कम बैक कैसे करवा घेस तिर के कैसे 150 गेल शुभम गिल मॉर्गन तो मतलब विकेट गिरला के बाद भी टच में मारी थल जैसे ही जानी थल कि जब तक हमारा 160 से प्लस रन ना बना हम ना जीतम कोशिश तो करी था लेकिन मॉर्गन अगर रह जाए तो कुछ हो था लेकिन मॉर्गन भी लगे कि 10वां ओवर के लगभग में आउटे हो गए हाँ मतलब तब एकदम कल है के मैच एकदम मतलब नीरस रहा मैच एकदम नीरस हो गया हुआ पहला इनिंग में मतलब लगलवा ना कि कलकत्ता हार गया कुछ रन बनल लगल कि बढ़िया मैच हो लास्ट जाए जाए तो हो दुर्गति हो गई 150 के नीचे हो शारजाह में तो कहाँ से कुछ होने देखा इन्हें 2-3-4 दिन से मैच एक ना बढ़िया होते अब 200 वाला तो बनीते न है एक दिन मुंबई 200 रन मारलन भी तो मतलब 18 ओवर तरफे कर दिल मैच में अभी मजा न है लगी थे कि मैचों के लिए बड़ी मजा ना आई ना कि इलेक्शन है इलेक्शन के बाद बढ़िया बढ़िया मैच हो हमारा ऐसा का है तो लगी था इलेक्शन के बाद बढ़िया जनता भी बिहार में जनता अभी तनी साहब इलेक्शन के मतलब अथी में है थोड़ा सा मैचो बढ़िया ना होते तो तू का कब हूँ कल के मैच के बारे में तो हम पंजाब हलु भैया तो कहलू हल दुनहुन भाई ने मर्द प्रीतिय जिंटा के ऐसा थोड़े बात है ऐसा थोड़े बात ये नहीं कि दू के फेर में एगो के फेर में दोनों भाई कहीं अपने में लड़ मत लिया ना तो तू अपन लेन कहलू हल कि पंजाबे रहबो भैया आ नतीजा देख लेला चेन्नई के बाद पंजाबे चुन लेला है ना अब का करे भैया ऑप्शन का है हमारा पास कोई भी का ऑप्शन है चेन्नई वाला अभी तो पंजाब में उठ के देखी था चेन्नई के फैन हाथ लेकिन चेन्नई बाहर हो गए तब अब चुन देखा यो चेन्नई के हाथ यो दोनों चेन्नई के रख ले लेकिन ये चुन लेला ना पंजाब अब समझ गया ना तो टीम आपको चुनना पड़ेगा ना एज ए क्रिकेट फैन है कोई बुरा बुरा जाती तो छोड़ दो छोड़ ली क्या है भैया चेन्नई के मैच में चेन्नई जुड़े रहे पांच गो एपिसोड में अलग चेन्नई चेन्नई आब हो गया पंजाब ना तब पंजाब में पृथ्वी जिंटा के ना फैन है राहुल के साथ ओपनिंग मनदीप सिंह आ मनदीप सिंह के एगो हले कि कल परसों के मैच जो होली हल कल है के जो पहले मैच होली हल पंजाब के ओकर एक दिन पहले उनके पिताजी डेथ कर गए थे मनदीप सिंह के वो दिन पंजाब वाला ट्वीट भी करके डेडिकेट कर ली हल कि आज के जीत मनदीप सिंह के पिताजी के नाम कल मनदीपो सिंह लगा कि मतलब हाँ कल शतक मारला ना पूरा मतलब ऊपर याद कर फ्लाइंग किस भी दिलन गेल भी साथ हल ना के ऊपर याद कर लेन और एक बात आओ हले कि मनदीप सिंह लास्ट में भी कहल है कि हमारे पिताजी चाह हलन कि हम जब भी खेली ना तो नोट आउट आई मैच को जिता के आई आज जिता के अली है पिताजी ऊपर भी खुश हुए हमरा देख के और बहुत मिस कर ला गेल जैया सेलवे पंजाब जीती था भैया गेल हाँ पांच मैच से सब जीती हाँ मतलब जितना मैच से गेल आयल है ना वैया से मतलब जीती थे पंजाब पंजाब के किस्मत भैया कि हम नहीं थे तो तुम लोग कहा समझा 7-6 हार के जो पंजाब लिविर लिविर कर रहा था ना वो पंजाब नहीं है अब पंजाब को चाहिए फुल इज्जत गेलो खुश है जानी थे कि जैसे प्रीति जिंटा के टीम में ही मैच जीतला के बाद प्रीति जिंटा जानी थे ठीक ना तो बाबा आगे ना कहा कि मैच के अब बीच ही बताओ कि अब बहुत सब टीम ला इम्पोर्टेंट मैच हो गए कलकत्ता के अब कौन माइंडसेट के साथ ऐतन अगला मैच में का टीम में कोई बदलाव कलकत्ता के देखा बैटिंगे ना चली थी शुरू से जब रसल ना चले ना तो रसल के ना चले के बावजूद ये जैसे 2-4 को मैच जीतल लेकिन कोई भी कम्प्रहेंसिव विन जो कहल जाए ना एक तरफा मतलब बैटिंग परफॉर्मेंस करके घीस तिर के कैसे कैसे करके जीत गलन है लेकिन बैटिंग में ना चली थी 10 रन पे 3 को विकेट तो राहुल त्रिपाठी हवा सुमन गिल भी कल मार लवा 2-4 मैच ना मार लवा मॉर्गन अकेले मारी थे थोड़ा बहुत हर मैच में लेकिन कल है के दिक्कत ही रहा ना कल थोड़ा सा कप्तानी में पे भी लगल मतलब हमने तो यहाँ आज अथी मतलब दिनेश कार्तिक के बाद भी मॉर्गन के कप्तानी मतलब कप्तानी में कल धार ना देखल जैसे शुरुआत से ही देखा जैसे मोहम्मद शमी के बॉल पूरा स्विंग ले थल स्विंग ले थे या बढ़िया बॉलिंग करे थे तो आ तू मतलब स्विंग खेले वाला बैट्समैन मॉर्गन तो तोरा कल चाहल कि स्टेप अप करके ऊपरे आवा
आ एगो विकेट जब तोर नीतीश राणा के गिर गेल बहल लगले गिर गेल एकर त्रिपाठी के, त्रिपाठी के पहले तू कहला भेजला त्रिपाठी के तो जाना है कि आब है या हौक है, हौकत है या स्विंग करी थी बॉल तो दबाव ना आते, या इम्पोर्टेंट मैच में तोरा चाहल कि पहले आके तू लीड कर। अब तो मान ली कि दिनेश कार्तिक कप्तानी छोड़ दिलवा खान साहब, अब तो इनको से गड़बड़ होई था, अब का करबा हूं बताओ। विनिंग कैप्टन है, बढ़िया कैप्टेंसी कर, लेकिन का वो चूक हो गेल आ एक चूक आउ हो गेलन कि अगला मैच में का होले, अगला इनिंग में का होले कि बॉलिंग करवावे एलन तो जब तो 150 रन हवा तो बिना विकेट लेले तो जीतबा ना, 20 ओवर खेल ले तो जीत जतबा। आ तो पूरा कलकत्ता टीम में दो विकेट टेकर बॉलर है, वरुण चक्रवर्ती और लॉकी फर्ग्यूसन। आ लॉकी फर्ग्यूसन के तो लाबी तो 13 ओवर में जब तो 75% मैच निकल गेलो तोरा, आ लॉकी फर्ग्यूसन के तो लास्ट में ले ला तो वो तो जब टिकल बैट्समैन है तो कोई के मारता भाई, बुमराह जैसन के तो मार के छक्का चढ़ा दे, तो वही गलती हो गेल कल तो। हां तो वही कल के मैच मतलब मजा ना आवी था, दो चार चार मैच से एकदम मजा ना आवी था। कले भर भी ना तो कल इलेक्शन खत्म हो तो देखा परसों से एक नंबर मजा देते हो। कल के मैच के तो यही मतलब सारान सब की मतलब एक तरफ से रहल, मतलब कलकत्ता के अभी बतलबा शुभम की मतलब कप्तानी थोड़ा सा इंप्रूव करे पड़ते हैं तब जाके मतलब मॉर्गन के कि कॉपी बुक कप्तानी करी था कि पहले से सोच के लेने ना कि 13 ओवर में हमरा लाना है 10 ओवर के बाद फर्ग्यूसन के तब्बे लाएं हमरा चौथा उतरना है तब्बे उतरा। सही बात, T20 में है कि तोरा एक दो ओवर में तोरा डिसीजन ले पर तुरंत कब का करना है। तू हो पंजाब के खेल से खुश हूँ? पूरा पूरा खुश हो? पूरा। कोई बदलाव उदलाव टीम में ना? जीत के साथ के बदलाव करे भैया बताओ, चोट लगा है तबे ना कोई बदलाव होबा है। हाँ। जब मैच जीती जाई थे तो का मयंक अग्रवाल क्या भैया, मयंक अग्रवाल चोटी लगा अगर फिट हो सकता है तने अभी तो ना आ सकला, क्या कि सब तो प्लेयर अच्छा कर लग भैया, अगर ई मैच में कोई अच्छा ना करते तो बात की बात है, लेकिन अब ऑप्शन का है कि बैठा के मयंक अग्रवाल के लतन ना भैया। देखा अगर अगर मयंक अग्रवाल फिट रहता बा तो जरूरत बा, काहे कि इंडियन टीम में भी सिलेक्शन हो गई है और बढ़िया फॉर्म में है, ऐसा बात ना है कि मनदीप सिंह खराब प्लेयर है, लेकिन अभी के डेट में चाहे अभी के फॉर्म में मयंक अग्रवाल एकरा से मनदीप सिंह से बहुत अच्छा है, काहे कि तू देख लो ना इंडियन टीम में करुण नायर 13 शतक मार रही है अगला मैच में बैठा करके एकरा खिलाफ क्या रहा। कलकत्ता के भी एक खिलाड़ी के इंडियन टीम में T20 में मतलब ये वरुण चक्रवर्ती, वरुण चक्रवर्ती के तो पहला बार IPL से गेलन, बहुत मतलब शुभकामनाएं हैं कि पहला बार टीम में गेलन है, बढ़िया करतन तब। बाकी कल के मैच ही हवा, अब आज के मैच के करबू कल है छक्का मारले कल गेल गेल, मतलब बउआ कहल कि जहिया से आयल है गेल या से हारबे न करल है पंजाब, तो एगो लकी चार्म भी साबित होइत है। लेकिन एक चीज हमरा कल लगल ना कि लकी चार्म के चलते मैंने तो मैच वाय करा दे देथिन, मैंने तो मैच आले मनदीप सिंह, मनदीप सही बात है बढ़िया मेहनत कर लई। हां तो वो सब तो वो सब वो अपना थी ICC मतलब IPL के जो भी पैनल है उनका वो सब हम सब कह सके ही, कहली चाह हल मेहनत कर रहा बेचारा और बहुत बढ़िया खेला। हाँ तो अब आज के मैच के बाद कुछ बताओ शुभम, आज के मैच केकरा केकरा है, कितना इम्पोर्टेंट है मैच? आज के मैच है बस दिल्ली या हैदराबाद के, देखा जाए तो लोग के लगत कि हैदराबाद ला इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम माने थे कि दिल्ली के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हैदराबाद छट जाए लेकिन दिल्ली के है ना कि तू टॉप पे रह के तू तीसरा नंबर पे आ गया है, नीचे तू आ गला आ तोरा दो मौका ना मिलता, वन या टू पे रहबे तबे तोरा सेमीफाइनल में दो मौका मिलता। मतलब यही पॉइंट के लेवल के ये कहल जाए थे कि आज अगर दिल्ली जीत जतन तो पहुंच जतन क्वालिफाई कर देतन। हाँ आ दिल्ली जीत जाए तो क्वालिफाई कर जात, लेकिन एकरा बढ़िया से जीतत ना मतलब रेनेट रनेट सुधार के तो टॉप वन टू में रह सकल है, जीत बहुत इंपॉर्टेंट हैदराबाद के लिए तो है, हारबा तो छट जाब। इनका इनका क्वालिफाई करेला दिल्ली के जीत जरूरी है, बाकी IPL में बनल रहेला हैदराबाद के जीत जरूरी है। ठीक है, मैच बढ़िया मैच हवा तो आज भारी भारी लगी था दिल्ली हमरा स्कोर स्कोर 70 से तो नीचे रहता था, दुबई में मैच हुआ पिच स्लो हवा तो 60 से 70 के बीच में ही रहता हुआ, कहे कि हैदराबाद के बॉलिंग भी बढ़िया है दिल्ली के भी बॉलिंग बढ़िया है, और जब 170 प्लस बन गए ना तो दिल्ली कन्फर्म जीत जाता, कहे कि बॉलिंग जबरदस्त। तू बताओ सेम दिल्ली भारी? दिल्ली भारी भैया, भारी बहुत वही 70 70 टीम में कोई बदलाव ना? दिल्ली में तो कोई बदलाव ना, तो शुभम टीम में बदलाव ना? दिल्ली के तो नौरखिया आ गल बा तो बॉलिंग बैटिंग ठीक हो गल बा, इधर पंत है यही तो दिल्ली में कोई बदलाव। पृथ्वी शाह रहने की जगह? पृथ्वी शॉ देखा देखल जाए ना तो बॉलिंग एक डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया है हैदराबाद का, पृथ्वी शॉ फॉरम में ना है तो पृथ्वी शॉ से ज्यादा सॉलिड बैट्समैन रहा नहीं है, दोनों आक्रामक ओपनिंग में क्या जरूरत है, एगो डिफेंस चाहिए ना, आक्रामक तो अपना गब्बर है ये है तो रहने ठीक रहता, रहने भी ठीक हो ना। तो आज के मैच के है हवा आ बढ़िया मैच हवा, दोनों मैच ला दोनों टीम ला मतलब इम्पोर्टेंट मैच है, बैटिंग करतन और बहुत मतलब। तू बताओ तू कन्ने से है?
हम तो राकेश भैया तो बदलने वाला टीम तू बताओ सेंटर ऑफ द सेंटर आज राकेश वाला थी पर अब कल बताबो ना हम आज ना बताबो हम आज ना बताबो कल ही बताबो हम धीरे से बोल दियो हमने ना कल हम ना बोल कल चुनाव है हो सका है कि कल भर हम सब फिर गैप मार दियो काहे कि चुनाव है कोशिश करबो अपना तरफ से बेस्ट करबो कि कल फिर मतलब शूट कर लियो लेकिन अगर ना पबो ओका लगी माफी मांगी है तो लोग से निवेदन करबो शांतिपूर्ण जेकरा जेकरा भी अधिकार हब जाके वोट द अपना मत के मतलब उपयोग करा सही सही उपयोग करा शांतिपूर्ण से महापर्व है लोकतंत्र के महापर्व जरा कहल जाए इलेक्शन ओकरे चलते देखी था कि इतना मतलब सब लोग बिजी है चाहे ये है देखी था ना रवि सिंह से टिंगाले हो कुछ है रवि जी लगा एक दिन अभी विनर बनल है फिर से दोबारा तू विनर बनी था रवि भाई ठीक ना कल के आंसर हलवा किरण पोलार्ड आंसर सही दिल हल तू और विजेता है रवीश भाई जी बहुत बहुत लोग कमेंट भी कर आनंद किशोर भाई तो डेली कर रहे हैं बहुत 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 धन्यवाद आनंद किशोर भाई तोर करे लगे जज्बा के हम सब डेली आ तू तोर वेट कर रही ठीक ना आकाश सिंह सही आंसर है लोग के दीपक हाँ किशन सिंह तो विजेता भी बनल रहे इलेक्शन के बाद से राहुल कुमार रंग में रहता हुआ मोनू कुमार देखा फिर तू आज चुप गया तोरा रोज कोशिश करी था तू लेकिन अच्छा अभी है मैच 10 मैच अभी 10 है निशान रोज सही आंसर करा हाँ तो मतलब ये हब ठीक ना यादव अब आज के क्वेश्चन पूछ देबू ना क्वेश्चन पूछ दे आईपीएल जो पूरा अभी तक खोलबा है ना इसमें सबसे कम बार क्वालिफाई करे वाला टीम कौन है मतलब सबसे कम बार सेमीफाइनल में गेलक है आईपीएल इतिहास में सबसे कम बार क्वालिफाई करे वाला टीम के नाम बता अभी प्रेजेंट में वो आठो टीम में हवा अभी प्रेजेंट में वो आठो टीम हवा मतलब बीच में अली हल पुणे उने अली हल मतलब अभी आठ के ये आठों टीम में से वो हवा इल्तो लगा हिंट सब अपने नाम बतावे हवा कल फिर भी नहीं के विजेता के सबसे ज्यादा बार जाए वाला तो जानवे कर हफ्तीयर का क्या सबसे कम बार वाला के बता सबसे ज्यादा बार पियर का तो वो तो पहले ही छाड़ दा था साते को बच गया तो साते को में एक बतावे लावा थोड़ा तो बताओ एक आंसर दा सही सही इलेक्शन के बाद मघिया आईपीएल खराब रंग में पूरा रहता एकदम 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 इलेक्शन खत्म होत बा आपके बाद एकदम रैम लगो तो विचार अलवा ओकरो पे एगो एपिसोड बनावे के देखा हुआ हम लोग एकर बाद कि कल टीम सिलेक्शन में का बढ़िया तू लोग भी अपना राय दा कमेंट करा बढ़ावा लाइक बढ़ावा मतलब सब चीज करा तू लोग बहुत बहुत धन्यवाद हवा कि तू लोग डेली लोग इतना कमेंट करा और देखा इतना इतना व्यस्तता के कारण भी चुनाव में माहौल है जन्ने और फेसबुक खोला व्हाट्सएप खोला जन्ने खोला भी चुनावे माहौल ही में भी तू लोग इतना मतलब करी था बहुत बहुत धन्यवाद हवा ठीक है ना तो ठीक हवा धन्यवाद इतने हवा आज भर के।